अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसन में। दोस्तों आज जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करनी है उसका नाम है विड्रासिन। सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इसकी कंपनी जो है इसकी वो विड्रासिन है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। दोस्तों ये काफ़ी सारे चीज़ों से मिलके बना है। इसमें ट्राइबुलर्स, ट्रेस्टरिस, साप पालमेटो, इसके अलावा सेम्प्रो और भी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके बाद इसकी क्लास देखें तो ये मल्टीविटामिन है या सप्लीमेंट की क्लास में आता है। उसके बाद हम इसकी अगर फॉर्म देखें कि किस शक्ल में हमको मिलता है तो ये टेबलेट की फॉर्म में आपको मिलता है। साथ साथ हम इसका अगर पैक साइज़ देखें तो इसका जो डब्बी का जो साइज़ है वो 60 टैबलेट इसके अंदर होती हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 3000 रुपये का, 3000 और 3500 की रेंज में आपको मिलता है। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट देखने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस में इसको हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ देखते जाते हैं। सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है ट्राइबुलस ट्रेस्टरिस। ट्राइबुलस ट्रेस्टरिस के ऊपर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है साप पाल्मीटो। साप पाल्मीटो जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करता है, हेयर की जो ग्रोथ होती है उसको अच्छा करता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक जो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन होते हैं उसको सही करता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की हेल्थ को बेहतर करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और आपके इसके साथ साथ आपके जो ब्रेन है उसकी भी एनर्जी को बढ़ाता है। उसके बाद इसमें है सेम्प्रो सोया आइसोलेट प्रोटीन। ये सोया आइसोलेट प्रोटीन जो है दोस्तों ये आपके मसल मास को इंक्रीज़ करती है, यानी कि आपके जो पट्ठे हैं उनको ताकत देती है, जिसम में एनर्जी पैदा करती है, ताकत लेके आती है और आपके जो रिकवरी होती है, सेल डैमेज हो जाते हैं उनकी जो रिकवरी होती है दोबारा से सेल बनने का प्रोसेस उसको भी तेज़ कर देती है। उसके बाद इसमें ओट स्ट्रा डाला गया है। ओट स्ट्रा जो है वो हमारी परेशानी यानी कि एंग्जाइटी को कम करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे अंदर जो सुस्ती होती है उसको कम करते हैं और ये हमारे दिमाग को काम रखते हैं, यानी कि उसको हमें पुरसकून रखते हैं। उसके बाद इसमें है नियासिन। नियासिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करती है। इसके अलावा ये बूस्ट एनर्जी करती है आपके जिस्म में, साथ साथ ये ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसको बेहतर बनाने में हेल्प करती है और इसके बाद ये स्किन को जो है वो बेहतर बनाती है। उसके बाद है मोइरा पोमा जो कि इंक्रीज़ करता है लिबिडो को। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सेक्स की कमी हो जाती है, यानी कि वो लोग जिनका सेक्स करने को दिल नहीं करता तो उनमें ये दिल करने जो उनकी ख्वाहिश है उसको बढ़ा देती है, यानी कि इंक्रीज़ कर देती है लिबिडो को, सेक्स ड्राइव को, एनर्जी को बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है और इसके अलावा जो जॉइंट्स में पेन होता है ख़ास तौर पर जो कमर का पेन होता है उसको ख़त्म करती है। दोस्तों उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन के बारे में भी एक पूरी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एल आर्जिनिन के काम क्या हैं, वो इसमें ये काम करता है कि ये आपके सेक्स को जो है पावर को उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा पेनाइल हेल्थ यानी कि जो पेनस है जो कि लिंग है उसका उसकी हेल्थ को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इरेक्शन को बेहतर बनाता है, तनाव को पूरा करता है, साथ साथ ये करता है हमारे पास जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसे लोग जिनमें तनाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है उसको भी सही करता है। उसके बाद है इसमें इनोसिन। इनोसिन जो है वो एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, जिस्म में एनर्जी को बढ़ाता है, साथ साथ ये हमारे जिस्म से सुस्ती को ख़त्म करता है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है हाथरोन बेरी। हाथरोन बेरी जो है वो दोस्तों एज ए एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल की जाती है, ये हमारे जिस्म में बीपी को कम करती है। इसके अलावा ये जो हमारे जिस्म में फैट्स होते हैं उसको कम करने में मदद करती है, यानी कि चर्बी को कम करती है। इसके अलावा ये रिड्यूस करती है एंग्जाइटी को, यानी कि हमारा जो परेशानी है, जो हमारे जिस्म पे जहनी तनाव है उसको ख़त्म करती है और ये हमारे जो हेयर लॉस होता है उसको भी ठीक करती है, यानी कि उसको दोबारा से बढ़ने में मदद देती है। उसके बाद है इसमें जिंको बाइलूबा। जिंको बाइलूबा जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है, नर्व्स की जो सेहत होती है उसको बेहतर बनाता है और ये रिड्यूस करता है हमारे अंदर सुस्ती को या हमारे अंदर जो है थकान को दूर करता है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया गया है एपीमीडियम सेगिटेटम, जो कि हमारे नर्व्स को दोबारा से जो है वो काम कर रहा है, उसको पुरसकून कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा ये हमारे अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन यानी कि मनी की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा कर देता है, साथ साथ ये हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग जिन्हें टेस्टोस्टेरोन की कमी का शिकार हैं तो वो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है।
इसके बाद इसमें डैमियाना इस्तेमाल किया गया है। डैमियाना जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि सेक्स लाइफ को बढ़ाती है, इसके अलावा स्पर्म को बढ़ाती है, इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। तो डैमियाना के जो काम है वो करता है कि इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन करता है, इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है जिसम में, साथ साथ ये हमारे अंदर स्ट्रेंथ लेके आता है, ताकत लेके आता है और हमारे अंदर लिबिडो पैदा करता है। उसके बाद है कटुबा। कटुबा जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है, इसके अलावा ये लिबिडो को बड़ा करता है और हमारा जो बीपी होता है अगर वो नॉर्मल लेवल से ऊपर है तो उसको भी हमें नॉर्मल करने में मदद देता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जो लोग इसके किसी भी इसमें इस्तेमाल होने वाले किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं तो उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं, 100 में से किसी एक दो बंदे को ही होते हैं। सबसे पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है स्लीपलेसनेस, आपको नींद कम आएगी। उसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट, कि आप रोशनी से थोड़े से क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा नौजिया हो सकता है, ऐसे लोग जो इससे एलर्जिक हैं उनको मतली हो सकती है, और हेडेक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस यानी कि सुस्ती सी रहेगी, इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद हम इसकी डोज और ड्यूरेशन देख लेते हैं कि कितने अर्से तक हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है। तो ये जो रिकमेंडेड डोज है वो है एक पिल, यानी कि एक गोली आप रोज़ाना अपने खाने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 3 मंथ के लिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। 3 मंथ मतलब कि आपकी 1.5 डब्बी लगेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो इससे एलर्जिक हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो इनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी हर कोई इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।